नहीं यार उन्होंने कुछ टाइम वो असल में जो रोक रहे होते ना, मतलब कि आपकी ज़रूरत है तो अब किसी को पता लग गया कि रजिया मलिक और जावेद कोटू चाहिए तो वो कहें ओ नहीं यार रहन दे हूँ किसी को बैठा हो ठीक है। वो असल से साडा इनकार नहीं कर रहे और रजिया मलिक जावेद कोटू का इनकार नहीं कर रहे, वो अल्लाह की उस रहमत का इनकार कर रहे ने जेड़ी अल्लाह ने उन्होंने की है क्योंकि ना अभी कुछ अल्लाह का खाने ना पीने ना रहने मतलब आम इंसान बिल्कुल सिर्फ अल्लाह की रहमत हो गई है तो अच्छी तरह अल्लाह की रहमत ना उजागर हो गए बस और कोई गल नहीं। तो वो बेचारे जेड़े काटे मारते हैं कि यह नहीं चाहिए वो अल्लाह के हाँ इन्नी क मतलब समझ लो कि अल्लाह के बनाए बंदे से तुम लकीर मार रहे हो अल्लाह को कितना दुख होगा। बिल्कुल सही गल है। और इस तरह और जो उन्होंने पता लगता कि मैं इतने जाना सी या मैंने बुलाना सी तो फला बंद ने कट कराता उसका दिल कितना दुखता है। हाँ दिल दुखन के बारे में तो अल्लाह तला ने फरमाया कि वह बंदे की माफ़ी नहीं है जिन्हें किसी का दिल दुखाया किसी का। तो मुजाकरात दे विच कोटू साहब तुहानू बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली अल्लाह लाइक किया और सारे आर्टिस्टां ने खड़े होकर इस्तकबाल किया और कोटू साहब ने बकायदा मैनू प्रोग्राम दिखाया और बहुत अच्छा से और इमरान अशरफ साहब इन्ने अच्छे एक्टर ने इन्ने अच्छे इंसान ने क्योंकि एक्टर या कोई भी एक्टर डायरेक्टर बाद बनता है पहले एक अच्छा इंसान बन गया। मैं उन्होंने एक ड्रामा किया तो मैं उन्होंने फोन करके कहा कि मेरा तो ताड़ा एक क्लिप बड़ा वायरल होया तो ताड़ी वजह तो मैं बड़ी इज्जत मिली है। तो उन्होंने मैं मेरे को हाले भी आडियो पई है तो मैंने आडियो का जवाब दिता तो कहते ने यह तो हूँ अल्लाह पता ना हो सकता थोड़ी तो वजह तो मैं इज्जत मिली हो हर बंदा नहीं जी कहता क्योंकि हर बंद च मैं की है नहीं, जो मैं वा ना वो दूजा कोई नहीं जी है बहुत सारे किसी कहना मुश्किल काम होता है। रजिया जी मैं तुम एक रिक्वेस्ट करना है जी मैं है ना बहुत घट लोग हाँ जी मोस्टली लोग नहीं नहीं हाँ जी ये कोई एवं गिनवे चुनवे लोग हो गए जिन्हें मैं में वरना देखने के सवेलन बड़ा कोई हरे कौन है ते अंदरों चिड़ी जिन्ना दे ले हाँ जी बहुत एहसास भी है मालिक ठीक है सब। ते दूसरी गल है कि मेरे सामने की गल है मतलब देखी दिखाई नहीं सुनी सुनाई नहीं मैं चुलझा बैठे ने मैं बैठे सीट से तो उन्होंने दिल च भी मतलब किसी ने कहा होगा ना कि जी ताड़ी टीम च कोटू क्यों नहीं या फला क्यों नहीं उन्होंने अल्लाह ने एहसास दिलाया कि यार आहो यार मैं सारी जिंदगी इकट्ठा किया तो क्यों नहीं तो उन्होंने फोन किया कि यार एक कुर्सी अलग लवाओ माशाल्लाह माशाल्लाह फोन किया तो अगले दिन फिर फोन किया पता नहीं कौन कोई होएगा मतलब थोड़ी जी जरा घट समझ आला जिन्हें कह दी नहीं बस असी नहीं रखने ने या कोई वध नहीं करना या कोई पुछो हालांकि ताड़े लिए तो इन्नी कुर्सी बड़ी है मेरे लिए तो पीढ़ी भी बहुत ही है ज्यादा वही हाँ इन कुर्सी लवान से तो अर्ज को नहीं सी लेकिन उन्होंने तुम ऑनर दी कि कुर्सी लवाओ हाँ जी गए से फिर नहीं उन्होंने सुहेल साहब ने मना करता किसी ने ओहो इंज होंगे ने जी एक दूसरे तो देख कि उन्होंने कहें किचन वाले उन्होंने थलियो पैरों के थलियो जमीन किचन वाले लोग और जिन्हों रब ने इज्जत देनी है ना हर हाल च देनी है भावें जोड़ा मर्जी रोक लवे और रुके जिन्हू अल्लाह इज्जत देवे इज्जत मैं तुम कुछ दिन पहले की गल दस रहा मैं अपने एक भरा बने अल्लाह पाक ने उन्होंने दिल च खौफ की पाया है कि उन्होंने अपनी दुकान पर एडा वड्डा कूलर शरबत का भरया है माशाल्लाह पानी का नहीं शरबत का सरेआम जड़ा मर्जी पिए बहुत अच्छी दूसरा कि कोई एक बंदा भी आ गया ना खाली नहीं जाना खाली उन्होंने जान ही नहीं देना तो दूजे
पता भी नहीं लगन देना। ऐस तो वड़ी को गल नहीं, नाल दी दुकान करोड़ा पत्ती ते ओ भी देखन दा रहे के दोनों ओनू कह रहे, क्योंकि अल्लाह ने ओनू तौफीक देती देन दी खान पियान दी, ते ओ जेड़ा करोड़ा पत्ती ओनू तौफीक ही नहीं, ओनू नहीं दीती। तो ये तौफीक दी गल है, तौफीक दी गल बिल्कुल, कईयां नू अल्लाह तौफीक नहीं देंदा। बिल्कुल सही, उन्हां दे मतलब इधर उधर ही लग जाते। सही गल। अच्छा कोडू साहब, तुसी इंटरनेशनल लेवल ते काम कीता, सब तो ज्यादा तुसी केड़े मुल्क च गए और तुसी परफॉर्मेंस कीती ते तुहानू बहुत पसंद कीता गया? नहीं, अलहम्दुलिल्लाह जिथे भी अल्लाह लैके गया और जेड़े जेड़े मुल्क च लैके गया, दोबारा दोबारा लै गए, फिर दोबारा लैके गया, अल्लाह की हमेशा रहमत रही है। मोस्टली ज्यादा ड्रामे तुसी दुबई कीते जाके? नहीं, ज्यादा कितने कीते? ज्यादा इंग्लैंड, यूरोप, फिर उधर तो बाद कट अमेरिका, कैनेडा, फिर मिडल ईस्ट वगैरह, फिर एशिया। माशाल्लाह। कौन सा आजकल की मसरूफियत है, कोई ड्रामा कर रहे हो तुसी? ड्रामा सेहत ही नहीं। की होया कि मतलब तुसी बड़े बीमार और शदीद बीमार, कोई हार्ट अटैक होया, कोई ऑपरेट होया, मतलब तुसी ऐसले भी पब्लिक नूं दसो ताकि बहुत सारे लोग ताडे जिहड़े प्रस्ताव ने ताडे लई दिलो दुआवां मंगन ताकि तुसी उठ के उसे तरह पहले तरह कुछ लोग कुदो। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक किसी नूं किसी दा मोहताज ना बनाए, और उन्हां दीआं दुआवां नाल अल्लाह पाक ताड़ियाँ दुआवां ना मैनू भी किसी का मोहताज ना। आमीन जी, बढ़िया दुआवां ताड़ियाँ जी, बहुत ज़्यादा दुआवां। फिलहाल मेरी दोवें लत्तां टूट गई हैं, एक लत्त च फालज भी है, ब्रेन हैमरेज भी है, दिल का मामला भी है, वड्डी आन का ऑपरेट भी होया है, अल्सर का ऑपरेट भी है, ते 35 साल तो लत्तां च भी दर्द है, ते एक मायूब की गल है वो मैंने स्क्रीन पर दसन वाली नहीं, वो भी अक्सर है, ते बस अल्लाह पाक दे अगे रहमत दी अपील है कि बस सुने हुण रहमत ही करदे, होर रहमत है वो दी, बड़ी रहमत है, अल्लाह होर कर दे। कोडू साहब की जहाँ तक बात पहुँच रही है, आप सब इनके लिए दुआ करें, और ये हमारे लिए काबिले एहतराम है, हमारे मुल्क का सरमाया है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं हमारे, और हम जो ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कोडू साहब से वो यही करते हैं कि वो हमें कॉमेडी करके दिखाएंगे और हंसाएंगे। आपने देखा नाजरीन के जो हंसाने वाले लोग होते हैं वो असल में खुद कितने दुखी होते हैं, और ये हसबे हाल में इतने हंसा रहे थे और देखने वाले तो ये समझ रहे थे कि कोडू साहब को उठा के लाया जा रहा, लेकिन असल हकीकत ये है कि इनके टांग में फ्रैक्चर हुआ, ये चलने से नहीं चल सकते, चल बहुत मुश्किल से चलते हैं, अगर ये कदा कदम चलते नहीं चलते। 12.5 साल हो गए ज़मीन पे पैर लगाए, ये बच्चे ही मुझे बाथरूम लेके जाते हैं, बच्चे लेके आते हैं, बस जो करता भला अल्लाह पाक उनका दुगना भला करे, तो जिनको भला करने की तौफीक नहीं, अल्लाह पाक उनसे वो जो बदगुमानियाँ वो दूर करके भला करने की तौफीक अता करे। बिल्कुल जी, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भला करें और सीधा रास्ता किसी को दिखाएं, किसी एक दूसरे के पाँव ना खींचे, ताकि आपके लिए भी आसानियाँ पैदा हों। तो कोडू साहब, ये हमारी जो पब्लिक है जो आपको देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत से मुल्कों में आपकी आवाज़, आपकी तस्वीर जा रही है, आपके ज़रिए मेरी तस्वीर भी लोग देख रहे हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को? मेरा मैसेज तो कोई भी नहीं, नहीं ये कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ जनाब, मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरा मैसेज कोई नहीं, अल्लाह का हुक्म सरेआम है, सरदारुल अंबिया रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका मुबारक तरीका सरेआम है, बस इनको हम थामे रखेंगे तो दुनिया भी बचे आखिरत भी बचे। बिल्कुल जी, दुनिया और आखिरत के लिए आप नबी पाक पे दुरूद पाक पढ़ के भेजें और उसका सिला आपको अल्लाह ताला ने हर हाल में देना ही देना है। तो कोडू साहब थोड़ा सा हंसा दें हमारे लोगों को, हम इतनी सीरियस गुफ्तगू लेके बैठ गए। आसान वाली कड़ी गल है, मैं तुम दस रहा, कुतकुतारियाँ तो मैं तुम कर नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं तुम दस रहा ना, आसान वाली गल नहीं, एक सचमुच का वाक्य है,
जी जी के मैं ना किसी ड्रामे शरारत करना वा हकीकत ड्रामा तो मेरे को गलती हो जाती है तो हूँ मैं सजा के तौर से ना स्विमिंग पूल च सुट देने। अच्छा एक पासे मजीद जरीफ साहब एक पासे काशी महमूद ते फैसल कुरैशी। अच्छा ये टीवी का ड्रामा। हाँ तो सजा मैं ऐ मिलनी होंगी है स्विमिंग पूल च सुटना। स्विमिंग पूल च सुटना तो मैं तैरना नहीं आता तो हूँ वो जरा जी ड्यूटी लगी होंगी है वो स्विमिंग पूल से तो मैं उन्होंने बच्चे ने देखे कि मैं हूँ तैरना नहीं आता। मैं क्या बेटे जिस तरह मैं छाल मारा ना तो तू मैं कढ लेना तो 50 रुपये तेरे ते वो मन गए। फिर मैं क्या नहीं ये लेट हो जाएगा। मैं क्या पुत्र 100 रुपये तेरा छेती आई तो वो शॉर्ट वेखता है ना भुल गया तो इन्नी देर में थले जा ही जा रहे हैं गोते लगी जा रहे हैं लगी जा रहे हैं तो उत्थे चला गए जिते डूंगी जगह है। ओ, 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 फिर यानी फुल मत मारी गई मेरी गोते आके मैं समझ ही नहीं आ रही। उन्नी देर चो आया उन्हें मैं कढ़े तो जिते किनारे ते ज्यादा पानी ऑलरेडी पिया होंदा ना पानी फिर पानी चला ते उत्थे रख के फिर चला गया ते चला गया। मैं हले सीधा ही होने लगा गोते ही इन्ने आए सन मैं फिर पानी च आपे पानी च गए आपे पानी च नहीं ये वाकई तेरे नाल नहीं आंदा या फिर और उन्होंने सुट दिता। फिर काशिफ का भला हो काशिफ महमूद का उन्होंने समझ आई कि इन तैरना नहीं आता इनू कढ लो कढ लो वरना वो मुंडा चला गया सी छोटे के तानू निकल गया। हाँ तो रैम्बो का एक मामला सी असी शूटिंग दे कट्ठे गए सा मुल्को बार मैं उन्होंने कहना मैं क्या यार मैं तैरना नहीं आता तो पूल च ना आता मैं बड़ा शौक है तो जिस तरह मैं छाल मारा तू मैं कढ ले करें वो जवान ने तीन के दिन तो मैं कढे चौथे दिन भी भूल गया चौथे दिन ना बगैर दसे शूटिंग ते चला गया। वाह तो तुसी छाल मारती ते मैं उस तरह कॉस्ट्यूम पाया। वाह ते जनाब रेडी रूडी होके सीधा ही पूल आले पासे ते उस दिन यही जेन जने रहा कि मैं किसी नूं दस ही दवा कि मैं तैरना नहीं आता ते जिस दिन रैम्बो गया सी शूटिंग से उस दिन मैं पूल आले पासे गया तो उस दिन पूल दे विच बंदा तो दूर की गल पानी भी ना सी वो जी डूंगी जगह होंगी उत्थे छाल कढ मारी पानी तो बगैर ही पानी तो बगैर तुहानू नज़र नहीं आया कि पानी नहीं कख भी नहीं चोटा तो नहीं लगिया ऐसा जिवें पपीता नहीं टुटदा ओ इस तरह आवाज आई बड़ा मज़ा आ गया। वो जरा सीटी सूटी मारदा उन्हें मैनू बाहर कढ़े उन्नी देर तू मैनू बाबा आराम आ चुके सी कि हुण ना आएगा हुण ना आएगा खुशकी जी ना लिया। हाँ तो फिर एक बारी असी ना पता नहीं यूरोप तो किहड़े मुल्क जाना सी टिकटां दा साडा कोई रौला सी ते ठाकुर हुण टिकटां आले पासे गए ते रैम्बो नूं मैं कहे यार मेरे कोलों ना लत टूटी मेरी ते एयरपोर्ट ते इन्हां पैदल नहीं फिरया जाना तू मैनूं ट्रॉली ते बिठा ली समान ली ट्रॉली ते। हाँ उन्हें ट्रॉली से समान रखे वो उत्ते फिर समान रखे फिर समान रखे और उत्थे जा के मैंने बिठाया चौथी मंजिल। हाँ तो मैं उत्थे भी डरे हैं तो डर डर के ऑटोमैटिक सीढ़ियाँ होंगे ना एस्कीलेटर। हाँ जी उसके दो पहिए जड़े दे ना वो हूँ एस्कीलेटर से आ चुके ने दो रैम्बो के हाथ च ते हूँ इतने उन्हें ट्रॉली फड़ी है तो पिछों आवाज आई है और टिकट ओके हो गई हैं तो उन्हें ट्रॉली छड़ती है वो ट्रॉली छड़ी है
सब तो पहले मैं डिग गया, फिर बाकी समय थले खून माँ कोई पंजी के फुट थले, इन्ने फुट थले, हाँ पंजी के फुट थले, तो मेरे उत्तों की समान आ रहे ट्रॉली शुकरे एडी भारी सी, उस सीढ़ियों से बज के ना उछल के पर चल गई, जे बजती तो मेरे आला से काम ही हो जाना सी, अड्डे को तो आओ, हाँ तो जनाब बजाए ये पूछन दे के की हाल है, तबीयत ठीक है, खैर खरीत न, तो सारे मैं कह रहे हैं वो तू इतने पहुंचे केंजे फिर फिर सट्टा सुट्टा तो लगिया हो गया, तुम जैनवन चोटा लग गई होंगे कोई एक सट सट्टा सट्टा हाँ। सारिया फिर तुम तो मतलब ट्राली तो बात कि आए मैनू कड लिया, लेकिन गोरे ने कलैब की गोरे रल के इन्हों भी गोरे ये रल गए ये भी कलैब कर लग पे, तो मतलब ये कोई नहीं पूछ रहा कि इन कड ली उतो उपया मैं उपया देखा ना जी ऐसे ऐसे होते हैं एक्टिंग करना कितना आसान काम नहीं होता, एक तो वो चल नहीं सकते थे ऊपर से उन्होंने ट्रॉली ही छोड़ दी टिट्टों की खुशी में, अच्छा खासा बंदा जो था उन्होंने नीचे गिरा दिया और चोटों एक जासा फोकर सी ते ऐसी मेरी है ऐसी से दूसरी बैठे हो ए रूबी जी सी रूबी अनम दी, तू मैं कह रही है वे तू इस पासे नहीं आना, मैं इस पासे की है उठ के गई तो मैं उत्थे बैठ गया ओदी जगह ते ओदी जगह ते, तो एक एयर पॉकेट आया तो इन्हें ज मैं ना अपनी सीट तो सीधा पायलट के कोल सा, वाह इन्नी देर से वो किस तरह बस हो इंज हो गया जहाज तो मैं सीट तो सीधा ही उठे रेड़ के उठे, हाँ तो मना जो किया कि सीट ते नहीं आना, तो फिर तुम क्या पता करा कि आए कि बस मैं किसी के हो जाना इंज भी होंगे जी जहाज के वाकयात हो जाते जहाज एवं नहीं चलते वाकयात हो फिर चल रहे हैं, कड्डू साहब हो दसो तुम सब तो ड्रामा जरा अच्छा किया या बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आया तुम खुद मज़ा आया वो कि ड्रामा कॉमेडी हो थिएटर का, मैनू टैलीविजन का तो आशियाना बड़ा अच्छा लगे तो दूसरा जरा थिएटर का ड्रामा ओ दे दा सखिया जिंदगी मेरी दा इको दिन दा ड्रामा है तो वो कई महीने चलिया लेकिन मेरी जिंदगी दा एक दिन दा वो ड्रामा एक दिन तो मराद की एक दिन परफॉर्मेंस सी वो परफॉर्मेंस ऐसी सी अल्लाह पाक ने करवाती कि अल्लाह ने इन्नी बरकत पाई कि अमानुल्लाह साहब नूं जो कहन लग पे सन कि बुलाइए उन्हों चुप करना कि नहीं फिर सुहेल साहब नूं भी बुलाइए हाँ जबरदस्त जबरदस्त मेरी जिंदगी का एक दिन का ड्रामा दे जा सखिया दे जा सखिया आर्ट्स कॉन्सर्ट हो जो ना मतलब चलिया बड़ी देर लेकिन मेरी जिंदगी का एक दिन का आपने एक दिन परफॉर्म किया उसने नहीं नहीं छे महीने किया लेकिन वो कोई अल्लाह एक दिन है वाकई पहला दिन ओके जिस दिन ओपन हो ना उस दिन जबरदस्त कोई ऐसी गल दसो पब्लिक नो जिन्हों तुसी कल्या सोच के बैठे हो तो फिर हंस पाओ कोई वाकयात हो जाते ना जिस तरह मैनू कोई बैठे बैठे कोई ना कोई लतीफा याद आ जाता है तो मैं आप ही हसला पैनिया कि हाँ जी फलाना लतीफा अच्छा सी कोई गल ऐसी याद करके दसो अमानुल्ला साहब ना असी सारे पांच छे मैं उदो मुंडा ही था हूँ भी तुम मुंडे ही हो हूँ तो जेंडर चेंज थोड़ी हो गया नहीं उम्र ज्यादा हो गई ना तो अमान साहब न छन जा रहे उन्होंने घर तो मैं बड़े गौर न कहने कोडू असी सारे अलर्ट होए तो भैन कोई गल कर लगे मैं कह जी भैन कहने अज तो 10 साल पहले तू मेरी गल मनी होंगी हूँ असी होर अलर्ट होए मैं कह जी भैन
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਏਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆ ਵੀ ਏਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਕਹਿ ਜੀ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਭਾਰਤਾ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਡਾਂਟਦੇ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਹਦਾ ਰੂਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਐਕਟਰਾਂ 'ਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾਈ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ। ਅੱਛਾਈ ਜਾਣ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਐਕਟਰਸ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਟਿਸਟ ਐਸੀਆਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀਆਂ ਆਸਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ੂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਯੱਮਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੰਦ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਵਾਦ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, 1900 ਤਕਰੀਬਨ 84 ਜਾਂ 85 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਦੁਹਰਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਰਫਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਇਰਫਾਨ ਖੁਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫਨ ਕੋਲੋਂ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਮੂਮਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਵੇ? ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਬਸ ਵਕਤ ਮਿਲਾਵਟ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੁੱਧ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਸੀ ਪੈਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਲਸ ਸਨ, ਔਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲਸ ਸਨ, ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਿਲਾਵਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, 40 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, 44 ਸਾਲ, 44 ਸਾਲ ਬਣਤੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੇ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਇਤਨੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਜਬ ਵੀ ਇਨਸੇ ਕਿਸੀ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਚਲੇ ਜਾਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਕਾ ਘਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਹ ਕਹੀਂ ਕਿਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਮੇ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਹਮ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਇਨਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਨਸੇ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਸਲਾਮਤ ਰਹੀਏ। ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਆਪ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਆਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਚਾਰ ਚਾਂਦ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਲੇਜੈਂਡ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਤੇ ਰਹੇਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ, ਔਰ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਔਰ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੂਲੀਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।